आईडी रेड पर सांसद धीरज साहू की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। आईडी छापा और उनसे जुड़े ठिकानों से भारी मात्रा में करोड़ों रुपए की नकदी के बरामदगी पर कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पहली बार मीडिया से अपना बयान देते हुए कहा कि आज जो हो रहा है वह मुझे दुखी करता है। इन 100 साल में हम लोगों ने सरकार को काफी कुछ किया, काफी रेवेन्यू दिया। आज इस तरह से हो रहा तो मुझे काफी चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि आईटी टीम की छापेमारी में जो पैसे बरामद किए गए हैं वह मेरी शराब के फर्म का है। जो नकदी बरामद की गई है वह मेरी शराब फर्मों से संबंधित है। सांसद धीरज साहू ने कहा कि शराब कारोबार नकदी कैश में होता है और आईटी द्वारा यह कार्यवाही शराब की बिक्री से हुई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वह शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। सांसद धीरज साहू ने यह भी कहा कि छापेमारी में जो रुपए बरामद हुए हैं उसका कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सारा पैसा मेरा नहीं है, यह मेरे परिवार और अन्य संबंधित फर्म का है। मैं राजनीतिक छोड़कर बिजनेस में समय नहीं दे पाता था, बिजनेस मेरे परिवार वाले करते थे और आईटी को मेरे परिवार के सदस्य इसका जवाब देंगे। यह पैसा सेल कलेक्शन था, यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इसका इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। साहू ने कहा कि लोग इसे कैसे देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, मगर यह विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि छापेमारी में बरामद पैसे से कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। आईटी ने अभी छापा मारा है और मैं हर चीज का हिसाब भी दूंगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।